दोस्तों, अगर दोस्तों अगर आपके भी बाल व्हाइट हो रहे हैं तो अगर आप केमिकल्स यूज करते हो तो प्लीज उसका यूज ना करें, क्योंकि मेरे भी बाल व्हाइट हैं, 30% करीब मेरे बाल व्हाइट हैं, लेकिन मैं कोई केमिकल्स युक्त चीज यूज नहीं करता, ना मैं गार्नियर ना वास्मोल ना गोदरेज कुछ भी यूज नहीं करता। मैं जो यूज करता हूँ वो मैं आज आपको बताऊंगा, उसको मैं लगा कर भी दिखाऊंगा मैं कैसे यूज करता हूँ और क्या चीज यूज करता हूँ। दोस्तों मैं जो चीजें यूज करता हूँ वो है आपका ये, दोस्तों ये है आपका ओरिजिनल मेहंदी का पत्ता, और इसमें अंदर मैंने आंवला का पाउडर मिलाया हुआ, आंवला पाउडर मतलब इसके अंदर आपका 50-50 है, जितना मेहंदी पत्ता है उतना आंवला है दोनों, और यही दो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैं पीस के और लोहे के बर्तन में इसको 24 घंटे के लिए छोड़ता हूँ। देखिए कितनी ब्लैकनेस आ गई आप देख सकते हैं, और ये मैं अपने बालों में यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसको, मैं कैसे लगाता हूँ इसको, और इसको करीब 2 घंटे तक छोड़ देता हूँ लगा के। ये जो पेस्ट है दोस्तों एकदम नेचुरल है, और इससे आपके कितने भी बाल वाइट क्यों ना हो वो आपको पता नहीं चलता है, रेडनेस जैसा पूरा आ जाता है। और आप ऑयल लगाते हो जब सरसों या नारियल का तेल, तो आपको पता नहीं चलता कि आपके बाल इतने सारे वाइट हैं, ये छिपाने का काम करता है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आपके भी अगर बाल वाइट हों तो प्लीज़ आप यही यूज़ करें, कोई दूसरा केमिकल यूज़ ना करें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं इसको लगाता हूँ, कैसे इसका मैं यूज़ करता हूँ। आंवला और मेहंदी का जो पेस्ट था वो मैंने लगा के अब मैंने बाल को वॉश कर लिया है। हाँ तो दोस्तों आपको कहीं वाइट बाल शायद नहीं दिख रहे होंगे, तो यही इसके जो नेचुरल ये हेयर डाई है और इसके यही फ़ायदे हैं। तो मैं करीब 1 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी चीज़ को यूज़ करें। आप देख लीजिए पूरा, कहीं भी आपको शायद वाइट बाल दिख जाए लेकिन बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे, तो सोचिए। तो आप प्लीज़ आप ये इसी नेचुरल पैक को आप यूज़ करें, और कोई बाजार का केमिकल यूज़ ना करें। मेरे जो वीडियो बनाने का मोटो यही था कि आपको मतलब कि नेचुरल चीज़ें भी हैं जिससे आप अपने बाल को ब्लैक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। In a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm